खैरागढ़ के करमतरा गांव के निवासी पुनेंद्र साहू की सुपुत्री विभा साहू रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसी हुई है। आपको बता दें कि विभा साहू के पिता ने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से अपील की है कि जल्द ही उनकी बेटी को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का सरकार प्रयास करे। वहीं पिता पुनेंद्र साहू ने कहा कि वहां पर इंटरनेट की सभी सुविधाएं ध्वस्त होने से बच्चों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में साधना न्यूज की टीम ने बच्चे के परिजनों से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करमतरा में। और यहाँ जो है यहाँ के भी जो करमतरा की भी जो बेटी है विभा साहू, वो भी यूक्रेन में फंसी हुई है और कहीं ना कहीं उनके जो परिवार वाले हैं काफी चिंतित हो गए हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रही है, उनमें काफी छात्र छात्राएं जो है फंसे हुए हैं। और उसी तरह से जो करमतरा की जो भी बेटी है, राजनांदगांव जिले के बेटी है, वो भी विभा साहू, वो वहाँ फंसी हुई है। वो जो MBBS करने यूक्रेन गई हुई है और जब पता चला परिवार वालों को कि वहाँ युद्ध छिड़ गया है और बेसमेंट पर स्टूडेंट छात्र छात्राएं रहने को मजबूर है। हम जानेंगे तमाम सवालों के जवाब उनके परिजन से, उनसे लास्ट जो बात कब फोन से हो पाई और अभी क्या मैसेज है। जी, आपका परिचय। मैं हूँ पूर्णेंद्र कुमार साहू, ग्राम करमतरा पोस्ट बीएतरे तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव और खैरागढ़। पूर्णेंद्र साहू जी, आपको कब पता चला कि वहाँ युद्ध की जंग छिड़ गया है और आपकी यहाँ जो बिटिया है वो भी जो है हॉस्टल से निकलकर बेसमेंट पर रहने को मजबूर? लगभग भी तो वहाँ का युद्ध 5वां रोज है आज, उसी रोज ही पता चल गया था। उसका फ्लाइट का टिकट भी हो गया था 1 तारीख को, अभी फिलहाल आने वाला 1 मार्च को उसका फ्लाइट का टिकट था। वही युद्ध सामने है करके उसके फ्लाइट का टिकट पहले से करा लिया था। जब युद्ध चालू हो गया तो वही फंस गई रह गई जो वहाँ की यूक्रेन की राजधानी है, क्यू से लगा हुआ खारकिल है, वहीं रहती है वो, वहीं उसका कॉलेज है। वो अभी पहले भी हाल तो वहाँ हॉस्टल में रहती थी और वहाँ युद्ध छिड़ने के बाद बेसमेंट में फंस गई है। न वहाँ खाने के ना पीने की ना रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा सामान तो अपनी वहाँ हॉस्टल में छोड़ के चली आई है और बहुत ज़्यादा परेशानी। अब तो शुरू दिन ही बात हो पाई है उनसे, अब तो बिल्कुल बात होना भी नामुमकिन से हो गई है। बिल्कुल वो व्हाट्सएप भी चलना मुश्किल है, वहाँ सब चीज़ तो टावर, मोबाइल का टावर है, खाने पीने का चीज़ हो तो टोटल वहाँ पूरा कर्फ्यू जैसी लग गई वहाँ। साहू जी, जैसे आप बता रहे थे कि लास्ट बात उनसे हुआ, आपको पता चला जब वो बात की आपसे, तो कब लास्ट बात की और क्या बताई जब बात हुआ? तो अब जिस दिन हुआ श्री दिन, जिस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ उसी दिन सब चीज यानी चालू था, युद्ध हुआ तो उस समय सब बताई हुआ। ऐसी सी बात है, पापा भी ठीक हूँ, खाना उन्हें भी व्यवस्था तो इस दिन हो रही है ऐसे करके। उसके बाद शाम को पता चला कि अब तो जो है ब्रोकर है वहाँ का, उन लोग बताया चलो यहाँ नहीं रहना, सेफ नहीं है, अब तो युद्ध पूरी तरह से फंस गई है बीच में, तो आप लोग यहाँ हॉस्टल छोड़ के बेसमेंट में चले जाओ ऐसे करके, तो बेसमेंट में चली गई वो। जी, क्या पढ़ाई करने गई है बिटिया, कब से गई है? वो लगभग ये 3रा साल है उनका, वो MBBS के लिए गई है, MBBS कर रही है वहाँ, MBBS का 3री साल है उनकी, 6 साल की कोर्स है वहाँ। अभी तो गई है मान के चलो अक्टूबर में, मान के चलो अक्टूबर में ही गया, वो तो वही फंस गया था ना कोरोना वायरस जो था उसमें टीका लगी है उसको, और टीका लगी है तो मान के चलो कोविशील्ड कोवैक्सीन यहाँ मानना है इंडिया में, वो कोवैक्सीन लगाई थी, तो कोवैक्सीन लगाई थी ने उसमें दिल्ली तक चलती है, दिल्ली तक जाने के बाद उसको रोक दी, यानी बाहर जो देश है वहाँ कोविशील्ड नहीं मान्य है और यहाँ इंडिया में सभी मान्य है, लेकिन दिल्ली तक ठीक है, दिल्ली जाने के बाद उसको रोक दी। फिर 1 हफ्ता इंतजार किया, फिर टिकट उकट भरा, फिर वहाँ से जुगाड़ किया, जो टिकट किया था वो तो वापस भी हमें नहीं मिल पाया क्या, वो तो जिस दिन जाना उसी दिन गया हवाई जहाज के ये में फ्लाइट का ये जो था उसमें, लेकिन हमें वो जो टिकट कराया था वो पैसा भी वापस नहीं मिला। फिर दोबारा हम लोग टिकट भरा का पैसा इधर उधर जुगाड़ करके फिर गया, तो 8-10 दिन भाई फिर वो गई अक्टूबर में।
विभा से लास्ट बात कब बात हो पाई आपसे? अब लास्ट बात तो अभी हुई है, जिस दिन शुरू ही युद्ध चालू है उसी दिन हुआ है, मान के चलो उस दिन का, मान के चलो शनिवार, शनिवार रविवार सोमवार, मान के चलो। तो इस तरह से देख सकते हैं कि परिवार काफी चिंतित है और छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को वापस भारत लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी तमाम जो है छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। और इसके चलते छत्तीसगढ़ के जो भूपेश सरकार है उन्होंने ऐलान भी किया कि जितने भी यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के जितने भी छात्र छात्राएं फंसे हैं उनको सुरक्षित वापस लाने की जवाबदारी छत्तीसगढ़ सरकार लेती है, ऐसा उन्होंने घोषणा भी किया है। आपके पास प्रशासन की कोई अमला पहुंचे, आपने अवगत कराया? अब कराया तो है सर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब कहाँ किसी के पास, जो टीवी से दिखा रहा है, टीवी वाले के पास हम दिखा रहे हैं, आप लोग आया, आप लोगों को बता रहे, पेपर वाले, न्यूज वाले संपर्क किए उसको बताया, और कोई किसी नेता होता कोई बात से हाथ बातचीत हम लोगों ने की है। लेकिन रिक्वेस्ट करते कि हमें हमारे लिए भी कुछ करे सरकार, इतना अपेक्षा रखते हम लोग। हाँ सरकार से हम इतना अपेक्षा करते हैं, हमारे जो लड़की वहाँ फंसी हुई है उसके लिए आप जन सहयोग करें, इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है। इस तरह से देख सकते हैं कि विभा साहब के जो पिता हैं वो भी छत्तीसगढ़ सरकार से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित जो है उनकी भी बिटिया जो है यूक्रेन से वापस भारत छत्तीसगढ़ वापस आ पाए। कैमरा पर्सन संजू साहू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।